हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 28 मई को होने वाले स्मैकडाउन के पूरे प्रीव्यू के बारे में, जिसके लिए एक मैच कंफर्म है गाइस, जहां पर हमें रोमन रेंज का अपोनेंट फाइनली पता चलेगा इस स्मैकडाउन पर, और भी हेल इन ए सेल के लिए मैच कंफर्म होंगे। इसी के साथ गाइस बात करेंगे हमारे लास्ट नेक्स्ट की और लास्ट रॉ की व्यूअरशिप क्या रही। रॉ की तो सबसे भद्दी व्यूअरशिप रही थी, और ईवा मारी को लेकर WWE के क्या प्लान्स हैं, इन्हीं सब बड़ी अपडेट्स के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो गाइस वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसे बस लास्ट तक जरूर देख लेना, और फिर वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं आपके एक लाइक से। और यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों शोज़ की व्यूअरशिप के बारे में, और पहले बात करें आपकी NXT की व्यूअरशिप के बारे में। तो गाइस मैं आपको पहले 18 मई की NXT की व्यूअरशिप बताऊं, तो वो थी 7 लाख, एग्जैक्ट 7 लाख थी, पर जो इस मई हफ्ते 25 मई को आई है वो गाइस वो बनी है 0.29% के डाउनफॉल के साथ 6,98,000, यानी कि व्यूअरशिप तो लगभग बराबर रही है, पर गाइस ये हाई होनी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरह का इस एपिसोड पर मेन इवेंट मैच था NXT चैंपियनशिप के लिए, तो यहाँ पर भाई व्यूअरशिप बनती थी, पर क्या करें व्यूअरशिप नहीं बढ़ी तो इतनी ज़्यादा कम भी नहीं हुई है। पर गाइस बात कर लें रॉ की, जहाँ पर सबसे ज़्यादा शौक होंगे यहाँ पर विंस मैकमैन। गाइस मैं बात कर रहा हूँ 24 मई की रॉ की व्यूअरशिप के बारे में, पर मैं आपको बता दूँ 17 मई को कितनी थी, तो गाइस वो थी 1.821 मिलियन, और इस हफ्ते की व्यूअरशिप में भाई पूरे 11% का डाउनफॉल हो गया और बनी है 1.623 मिलियन, और भाई ये रही है इस साल की सबसे लोवेस्ट व्यूअरशिप रॉ की। तो भाई झटका तो लगा होगा, क्योंकि भाई रॉ भी सबसे बदतर थे इस साल की, तो जैसी करनी वैसी भरनी। पर गाइस बात करें यहाँ पर ईवा मरी के बारे में, तो गाइस ईवा मरी के यहाँ पर प्लान्स लगभग लीक हो चुके हैं, और गाइस यहाँ पर बताया जा रहा है अपडेट्स के अकॉर्डिंग कि ईवा मरी अपने सोलो रन के लिए नहीं आने वाली। ईवा मरी यहाँ पर किसी सुपरस्टार, फीमेल सुपरस्टार के सपोर्ट में आएंगी, और वो उनको पुश देने के लिए, जिन सुपरस्टार के साथ वो रहेंगी उसको अच्छे से पुश देने के लिए उनके साथ रहेंगी। तो वो कौन सा सुपरस्टार है वो तो अभी नहीं पता, हो सकती है एलेक्सा ब्लिस भी या फिर कोई और सुपरस्टार। वैसे गाइस प्रोमो देख के ईवा मरी के तो लगता है कि वो किसी फैशन शो के लिए आ रही हैं, पर जो भी आ जाएं तो मज़ा ही आ जाए। पर अब हम बढ़ते हैं अगले स्मैकडाउन के प्रीव्यू की तरफ। तो गाइस जैसे कि आपको पता है यहाँ पर एक मैच कंफर्म है, उसोस वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स का पिछले हफ्ते स्मैकडाउन पर कंफर्म हो गया था, और हमें उसोस काफ़ी लंबे टाइम के बाद देखने को मिलेंगे फिर से एक बार टैग टीम में, पिछले साल रेसलमेनिया के बाद ही शायद। दिक्कत यहाँ पर है भाई कि उसोस जे उसो जिमी उसो में अपने में नहीं बन रही, तो उनमें कोऑर्डिनेशन कमी होगी, और यहाँ पर वो मैच हार सकते हैं, और रोमन रेंस इस मैच को जरूर ऑब्जर्व करेंगे, पर रोमन रेंस यहाँ पर नहीं आएंगे, उन्हें बचा के रखेगी WWE मेन इवेंट के लिए। वहीं गाइस बात करें फीमेल डिवीजन की, और आपको पता है भाई स्मैकडाउन वुमेंस चैंपियन है बियांका ब्लेयर, और अभी भी बियांका ब्लेयर की फ्यूड चल रही है बैली से, और अभी भी बैली और बियांका ब्लेयर का एक मैच होगा, और WWE हेल इन ए सेल के लिए रीमैच कंफर्म कर सकती है नेक्स्ट स्मैकडाउन पर ही। और यहीं पर बात करें स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस के बारे में, जो कि हैं रे मिस्टीरियो डोमिनिक मिस्टीरियो। तो रे मिस्टीरियो डोमिनिक मिस्टीरियो जब रेसलमेनिया बैकलैश में चैंपियनशिप जीती है, तो रॉबर्ट वुड और डॉल्फ ज़िगलर को भाई अभी भी रीमैच की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, तो यहाँ पर ये मैच भी कंफर्म कर सकती है हेल इन ए सेल के लिए रे मिस्टीरियो डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस रॉबर्ट और डॉल्फ ज़िगलर का स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। और हमें ओटिस और शॉर्टी जी से फ्यूड देखने को मिलेगी समर स्लैम के लिए रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो की हेल इन ए सेल के बाद। वहीं गाइस हमें एक और जो बड़ी थिंग देखने को मिली थी पिछले हफ्ते स्मैकडाउन पर, वो था एलेस्टर ब्लैक का रिटर्न मेन इवेंट में, और एलेस्टर ब्लैक ने भाई आके ही डिस्ट्रैक्ट किया था केविन ओवंस, बिगी और सैमी ज़ेन को। तो गाइस यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, एलेस्टर ब्लैक है यहाँ पर इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए आए हैं या फिर किसी सुपरस्टार के अगेंस्ट? WWE यहाँ पर पोटेंशियल देगी, पुश देगी एलेस्टर ब्लैक को, या फिर डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी देगी चैंपियनशिप के लिए? तो गाइस यहाँ पर हो सकता है एलेस्टर ब्लैक फिर से आए और हमें केविन ओवंस एलेस्टर ब्लैक को चैलेंज करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर केविन ओवंस प्योर फेस है, एलेस्टर ब्लैक हमें यहाँ पर हील दिखाई दे रहे हैं, तो ये एक बढ़िया फ्यूड तैयार होगी। वैसे एलेस्टर ब्लैक हमें बिगी के भी अगेंस्ट देखने को मिल सकते हैं, पर जो भी हो हमें एलेस्टर ब्लैक जल्दी आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे टाइटल पिक्चर में ही। इसके बाद गाइस बात करें मेन इवेंट की, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा धमाल मचने वाला है यहाँ पर रोमन रेंस होंगे, और जैसे कि पिछले हफ्ते भाई सिजारो ने चैलेंज किया था रोमन रेंस को फिर से एक बार टाइटल मैच के लिए, पर सेथ रॉलिंस ने अटैक कर दिया था सिजारो पर, तो रोमन रेंस यहाँ पर रिस्पॉन्ड करते हुए दिखाई देंगे। और गाइस हो सकता है अभी WWE रोमन रेंस से सिजारो का फिर से एक बार मैच सेट कर दे हेल इन ए सेल पेपर वी के लिए, पर अभी भी यहाँ पर क्वेश्चन है कि भाई रोमन रेंस और सिजारो का ही मैच होगा या फिर रोमन रेंस जाएंगे किसी और सुपरस्टार के अगेंस्ट। अगर गाइस यहाँ पर रोमन रेंस को होती है जिमी उसो से दिक्कत, तो रूमर्स ऐसे भी हैं कि रोमन रेंस वैसे जिमी उसो का मैच होगा, तो ये तो हमें नेक्स्ट स्मैकडाउन में पता चलेगा रोमन रेंस किसके अगेंस्ट जाने वाले हैं। तो वेट है बस नेक्स्ट स्मैकडाउन का, अभी तक यही WWE ने कुछ रिवील किया है, क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा बाकी और भी देखने को मिलेगा हेल इन ए सेल पेपर वी के बिल्डअप के लिए।
यार गाइस आप जरूर कमेंट करके बताओ कि आप रोमन रेंज के अगेंस्ट किसे देखना चाहते हैं फाइनली हेल इन ए सेल मैच के अंदर, आप हेल इन ए सेल स्टिपुलेशन के साथ रोमन रेंज का मैच देखना चाहेंगे। और इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, अगर फिर पसंद आए तो लाइक भी कर देना, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑल पर सेट कर लो यार, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, भाई ख्याल रखें अपना।